इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी आखिरी सीट गुरुग्राम से अपना उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इनेलो ने युवा और बिजनेसमैन वीरेंद्र राणा को उम्मीदवार बनाया। वीरेंद्र सिंह के नाम का ऐलान अभय चौटाला ने एक कॉन्फ्रेंस करके किया। वीरेंद्र राणा गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं, लेकिन देश विदेश में इनका कारोबार फैला हुआ है। दस में से नौ लोकसभा की सीटों की पहले से अनाउंसमेंट कर चुके हैं और दसवीं एक गुड़गांव की जो थी वो हमने अब तक रोक करके रखी थी। उस पर हमने सारे साथियों से दो तीन चार दफा विचार विमर्श किया कि किस साथी को यहाँ से हमें अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके इस चुनाव में उसकी जिम्मेवारी लगाई जाए। वीरेंद्र राणा जो है, इन्होंने जो बीटेक की अपनी एजुकेशन जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी आपके महाराष्ट्र से इन्होंने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद ये आईटी के बिजनेस में आए। अगर आप मेन पार्टीज के कैंडिडेट्स की बात करें, चाहे आप राव इंद्रजीत जी को लीजिए, कैप्टन अदय यादव जी को लीजिए, ये लोग क्या हैं कि इलेक्शन के टाइम पे बाहर आते हैं, इनको प्रॉब्लम्स पता नहीं है। गुड़गांव एक ऐसा सिटी है जहाँ पे गांव के यूथ की अलग प्रॉब्लम है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लोग कुछ बेचारे जिनकी ज़मीन बिक गई है, उनके पैसे ख़त्म हो गए हैं, उनके पास कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। दूसरी तरफ आप लीजिए, वो लोग हैं जो पूरी दुनिया से हम वापस आके रह रहे हैं, चाहे अमेरिका, यूरोप, यूके से आके जो लोग रह रहे हैं, या आप लीजिए जो आपके एमएनसीज के एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। ये शहर है जहाँ पे आपको लोग जो जीरो लेवल पे भी मिलेगा और सेवन स्टार लेवल पे भी लाइफ जीता मिलेगा। आपको ऐसा आदमी चाहिए जो सारी प्रॉब्लम समझ सके,